आपका क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5। इफ टू ऑफ द जीरोस आर रूट 5/3 एंड माइनस √5/3। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमारा क्या है, दिस इज अवर एफ एक्स है ना, और ये जीरोस दो दे रखे हैं, उसका मतलब क्या है आपका, इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है आपके, ओनली एक्स। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया एक्स इज इक्वल टू √5/3, एंड सेकंड वाला क्या हो गया आपका, एक्स इज इक्वल टू माइनस √5/3। ठीक है, ये आपके दो जीरोस हो गए। इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस एक्स इन दिस इक्वेशन यू विल गेट द आंसर जीरो। ठीक है, इसलिए इसको जीरो जीरो बोला गया है। तो उसने कहा कि टू जीरोस और निकालो, क्योंकि जितना पावर होता है उतने ही जीरोस होते हैं। ठीक है, नाउ अब आपको करना क्या है, इसको लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस √5/3। एक ये हो गया, एंड ये वाला क्या हो गया आपका, एक्स प्लस √5/3। ठीक है, ये दो हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट व्हाट यू विल गेट। तो ये कौन से फॉर्म में है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम इज 3, तो क्या आ गया आपका, 3x² - 5, 3x² - 5। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 1/3 और ब्रैकेट के अंदर आपका आ गया 3x² - 5। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपका एक फैक्टर निकला जो एक इक्वेशन है। तो इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं जी एक्स, जी एक्स। ठीक है, आपको ये जो कांस्टेंट है इसको लेने की जरूरत नहीं, नाउ आप सिर्फ इसी को ही जी एक्स लेके चलेंगे, फाइन नाउ। और ये जो है दैट इज हमारा क्या है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5। इसको आप क्या लेंगे, दिस इज अवर एफ एक्स। ठीक है, दिस इज एफ एक्स, दिस इज जी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, इट्स अ डिविडेंड एंड दिस इज अवर डिवाइजर, वी विल गेट क्वेश्चन नाउ। तो हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या आता है देखते हैं, जी एक्स बाहर लिखना है आपको, तो हम लिखते हैं 3x² - 5, फाइन। और यहां पर आपका क्या आएगा, दिस इज दैट इज एफ एक्स, तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5। ठीक है, अब जब डिवाइड करेंगे जस्ट सी द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट टर्म, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक फर्स्ट टर्म, तो आपका डिफरेंस क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, जस्ट मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विथ दिस, तो
तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3x4 - 5x2, तो -5x2, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस एंड प्लस, ठीक है। तो क्या हो गया, अब आपका ये आपका कैंसल हो गया और यहां पर आपका क्या आ गया, ये तो कोई चेंज नहीं हुआ था, तो हमारा आ गया 6x³ + 3x² - 10x - 5। अब ये दोनों को फिर कंपेयर करो तो आपका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज कितना, 2x, तो हम यहां लिखेंगे +2x, मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6x³ - 10x - 10x, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू चेंज द साइन माइनस एंड प्लस, तो क्या होगा आपका, इट विल गेट कैंसल्ड एंड ये भी कैंसल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 3x² - 5, दोनों सेम है तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, +1, तो आपका आ गया 3x² - 5, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे माइनस एंड प्लस, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, जीरो, क्योंकि ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। तो हमारा ये जो ऊपर क्वेश्चन आया है, दिस इज क्यू एक्स, क्या आ गया आपका, क्यू एक्स, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा, x² + 2x + 1, ठीक है। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो ac, तो कैसे होगा ये, इसको स्प्लिट करो, सेंटर टर्म को स्प्लिट करोगे यू विल गेट x² + x + x + 1, दोनों को पेयर करो तो आपका कॉमन क्या है, कॉमन इज एक्स, तो आपका क्या आ गया, x + 1, और ये दोनों में कॉमन क्या है, 1 इज कॉमन, तो आपका आ गया x + 1, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हैं हमारे, x + 1 एंड x + 1। अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू जीरो, विल मेक इट जीरो, तो क्या हो जाएगा आपका, x + 1 = 0, ये भी आपका x + 1 = 0, तो x = +1 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और यहां पर भी x = -1, तो हमारे दो जीरोस और कौन कौन से हैं, एक तो दो ये दे रखे हैं और दो आपके ये हैं -1 एंड -1, ठीक है। तो दिस आर द 4 जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन।